हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने 30 to 35 क्वेश्चन अप्रोक्स हम लोगों ने डिस्कशन किया था एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन को। अब हम लोग फिर से इस वीडियो में नए 30 अप्रोक्स क्वेश्चन तो हम लोग डिस्कशन कर ही लेंगे। तो चलिए अब हम लोग अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लोगों ने इससे पहले वाली वीडियो में 66 क्वेश्चन नंबर तक डिस्कशन कर लिया था, तो अब हम लोग 67 क्वेश्चन नंबर से स्टार्ट करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है, लेंथ ऑफ पेनक्रियाज इज अबाउट, यानी पेनक्रियाज का लेंथ कितना होता है। तो पेनक्रियाज का लेंथ जो होता है वो लगभग 12 से 15 सेंटीमीटर होता है। अगर इंचज में देखें तो 6 से 7 इंच होगा, ठीक है। तो इसका जो डी ऑप्शन है वो राइट आंसर है, 12 to 15 सेंटीमीटर। अब हमारा 68 क्वेश्चन जो है वो है, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ बॉडी, यानी हमारे बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा है। तो इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन, वो है लीवर। और देखिए लार्जेस्ट ऑर्गन, तो लार्जेस्ट ऑर्गन हमारा स्किन है। 69 क्वेश्चन नंबर हमारा आता है, 69 क्वेश्चन में है कि टोटल नंबर ऑफ लोब्स इन लीवर, यानी हमारे यकृत में यानी लीवर में कितने लोब्स प्रेजेंट होते हैं। तो मेनली इसका जो राइट आंसर है वो है ए ऑप्शन, यानी 2, दो लोब्स प्रेजेंट होते हैं हमारे किसमें, लीवर में। और दोनों लोब को कौन सा ऐसा लिगामेंट है जो जोड़ता है, तो वो है फैल्सिफॉर्म लिगामेंट। अब हमारा क्वेश्चन है 70 नंबर क्वेश्चन, द एक्सटर्नल रेस्पिरेशन रिफर्स टू, यानी एक्सटर्नल रेस्पिरेशन जब हम लोग सांस लेते हैं तो वो जो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन इंटरनल रेस्पिरेशन होता है वो कैसे होता है, कहाँ होता है, ये बताना है इसमें। तो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन जो हमारा है वो किसके किसके बीच होता है, तो इसका ए ऑप्शन जो है राइट आंसर है। और एक्सटर्नल रेस्पिरेशन हमारे ब्लड और हमारे लंग्स के बीच में होता है, यानी हमारे खून और फेफड़े के बीच में। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 71 क्वेश्चन नंबर, द इंटरनल रेस्पिरेशन रेफर्स टू, यानी इंटरनल रेस्पिरेशन किसके किसके बीच होता है। तो इसका सी ऑप्शन राइट आंसर है, और वो किस होता किसके बीच है, तो ब्लड और बॉडी सेल्स के बीच में, यानी हमारे खून और बॉडी सेल्स यानी टिश्यूज के बीच में होते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 72 नंबर, लैरिंस इज ऑल्सो नॉन एज, यानी लैरिंस को और किस नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन होगा, यानी वॉइस बॉक्स के नाम से जाना जाता है। अब हमारा 73 क्वेश्चन नंबर आता है, द पार्ट्स ऑफ लंग्स एक्सेप्ट, यानी लंग्स का पार्ट इसमें से कौन सा नहीं है, ठीक है। तो अपेक्स भी है लंग्स का पार्ट, कोस्टल कार्टिलेज भी होता है, दी बेस भी होता है। जो हमारा डी ऑप्शन है वो राइट आंसर है, और वो है हाइलिन कार्टिलेज। हाइलिन कार्टिलेज जो है वो लंग्स का पार्ट नहीं है, ठीक है। अब हमारा 74 क्वेश्चन नंबर है, और वो है, लेंथ ऑफ फेरिंस इज अबाउट, यानी फेरिंस जो है उसका लेंथ कितना होता है। तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन है, 12 से 14 सेंटीमीटर जो है वो लेंथ होता है फेरिंस का। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 75 क्वेश्चन नंबर, और वो है, नॉर्मल रेस्पिरेशन साइकिल पर मिनट इज अबाउट, यानी नॉर्मली जो हम लोग सांस लेते हैं तो उसका जो रेट है वो कितना है अप्रॉक्स, यानी एक मिनट में हम लोग कितने बार सांस ले लेते हैं। अब खुद से अपना टाइमर लगा के देखिएगा कि अब एक मिनट में कितने बार सांस ले लेते हैं, तो ये लगभग अप्रॉक्स बताया गया है। तो इसमें हमारा बी जो है राइट आंसर है, 12 से 16 बार हम लोग एक मिनट में सांस ले लेते हैं। सांस छोड़ना और सांस लेना दोनों का इसमें रेट है, ठीक है, इंक्लूड है। अब हमारा 76 क्वेश्चन नंबर है, द हार्मोन्स सिक्रीटेड बाय एंटीरियर पिट्यूटरी एक्सेप्ट, यानी एंटीरियर पिट्यूटरी कौन कौन से हार्मोन को सिक्रीट करता है और किसको नहीं करता है। इसमें क्वेश्चन क्या है, किसको नहीं करता है, एक्सेप्शनल है, ठीक है, एक्सेप्ट करके है क्वेश्चन। तो एंटीरियर पिट्यूटरी जो हमारा है वो 6 तरह के हार्मोन सिक्रीट करता है, तो इसमें हमारा है कि कौन सा नहीं सिक्रेट करता। इसमें सी ऑप्शन राइट आंसर है, ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन जो है वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा सिक्रेट किया जाता है। अब हमारा 77 क्वेश्चन नंबर है, दी हार्मोन सिक्रेटेड बाय पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, यानी कौन सा हार्मोन है जो कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा सिक्रेट किया जाता है। तो मैंने एक वीडियो में पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर पूरा डिस्कशन किया है, पिट्यूटरी ग्लैंड के जो दो पार्ट्स हैं एंटीरियर और पोस्टीरियर पिट्यूटरी कौन से हार्मोन सिक्रेट करते हैं और उसके फंक्शन क्या है, इन सभी के ऊपर मैंने डिस्कशन किया है। तो आप चाहें तो आप उस वीडियो में जाकर पिट्यूटरी ग्लैंड को अच्छे से समझ सकते हैं। तो अब चलिए हम लोग टॉपिक पे आते हैं, मेन मुद्दे पे। तो पिट्यूटरी ग्लैंड यानी पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो है
वो कौन कौन से हार्मोन को सिक्रेट करता है, तो इसमें हमारा वैसोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन है, यानी इसका सी ऑप्शन जो है राइट आंसर है, यानी बोथ ए एंड बी, यानी वैसोप्रेसिन को भी और ऑक्सीटोसिन को भी ये सिक्रेट करता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 78 क्वेश्चन नंबर, दी हार्मोन नॉट सिक्रेटेड बाई थायरॉयड ग्लैंड, यानी थायरॉयड ग्लैंड जो है तीन तरह के हार्मोन को सिक्रेट करता है, थायरोक्सिन जिसको कि हम लोग T4 भी कह सकते हैं, T3 यानी ट्राईआयरोथायरोनिन, और हमारा है कैल्सिटोनिन, यानी तीन हार्मोन को सिक्रेट करता है। तो अब बचा जो बी ऑप्शन, वो है राइट आंसर, यानी TSH यानी थायरॉयड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को थायरॉयड ग्लैंड सिक्रेट नहीं करता है। तो अब क्वेश्चन आता है कि थायरॉयड स्टिमुलेटिंग हार्मोन यानी TSH को सिक्रेट कौन करता है, तो एंटीरियर पिट्यूटरी जो हमारा लोब है पिट्यूटरी ग्लैंड का, वो TSH को सिक्रेट करता है, ठीक है, और इसका काम होता है थायरॉयड ग्लैंड को स्टिमुलेट करना। अब हमारा 79 क्वेश्चन नंबर है, दी हार्मोन सिक्रेटेड बाय एड्रिनल कॉर्टेक्स एक्सेप्ट, यानी एड्रिनल कॉर्टेक्स कौन से हार्मोन को सिक्रेट नहीं करता है इन चारों में से, तो इसमें हमारा क्या है कि ए ऑप्शन जो है राइट आंसर है, यानी एड्रेनलिन को एड्रिनल कॉर्टेक्स सिक्रेट नहीं करता, उसे एड्रिनल मेडुला सिक्रेट करता है, यानी एड्रिनल ग्लैंड के भी दो पार्ट होते हैं, दो ये में डिवाइड किया जाता है, एक एड्रिनल कॉर्टेक्स और एक एड्रिनल मेडुला। अब हमारा 81 क्वेश्चन नंबर है, सॉरी हमारा 80 क्वेश्चन नंबर है, दी हार्मोन सिक्रेटेड बाय एड्रिनल मेडुला, तो एड्रिनल मेडुला के द्वारा कौन कौन से हार्मोन सिक्रेट किए जाते हैं, तो इसमें ए और बी दोनों आंसर सही है, यानी एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन दोनों को सिक्रेट करता है, तो इसका जो सी आंसर है वो राइट आंसर, यानी बोथ ए एंड बी। अब हमारा 81 क्वेश्चन नंबर है, इंसुलिन इज सिक्रेटेड बाय, यानी इंसुलिन जो हार्मोन है वो किसके द्वारा सिक्रेट होता है, तो इसमें हमारा जो बी आंसर है वो राइट आंसर है, बीटा सेल जो होते हैं वो इंसुलिन हार्मोन को सिक्रेट करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 82, ग्लूकागोन इज सिक्रेटेड बाय, तो हमारे जो पेनक्रियाज होते हैं वो तीन तरह के सेल को कंटेन करते हैं, इन तीन सेल में अल्फ़ा बीटा गामा होते हैं, तो अल्फ़ा सेल जो होता है वो ग्लूकागोन को सिक्रेट करता है, बीटा सेल जो होता है वो इंसुलिन को सिक्रेट करता है, और जो गामा होता है वो सोमैटोस्टेनिन को सिक्रेट करता है, गामा को हम लोग डेल्टा भी कहते हैं, ठीक है। तो इंसुलिन जो है वो बीटा सेल के द्वारा सिक्रेट हुआ, और 82 क्वेश्चन में यही पूछा है कि ग्लूकागोन किसके द्वारा सिक्रेट किया जाता है, कि इसमें हमारा ए राइट आंसर है अल्फ़ा सेल, और 83 क्वेश्चन नंबर जो है वो है सोमैटोस्टेनिन किसके द्वारा सिक्रेट किया जाता है, तो इसमें राइट आंसर होगा सी ऑप्शन डेल्टा सेल। अब हमारा 84 क्वेश्चन नंबर है, वेट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड इज, यानी पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ होता है, तो हाइपोथैलेमस के नीचे होता है, ब्रेन के पिछले भाग में होता है, तो इसका राइट आंसर हमारा होगा डी ऑप्शन, 84 का डी ऑप्शन जो है राइट आंसर है, यानी 500 ग्राम, यानी लगभग आधा किलो का होता है। अब हमारा 85 क्वेश्चन नंबर है, वेट ऑफ थायरॉयड ग्लैंड इज, यानी थायरॉयड ग्लैंड का वेट कितना होता है, तो इसका बी ऑप्शन जो है राइट आंसर है, यानी 25 ग्राम जो है वो थायरॉयड ग्लैंड का वेट होता है। अब हमारा 86 क्वेश्चन नंबर है, वो है आउटर कवरिंग लेयर ऑफ ब्रेन, यानी ब्रेन के तीन लेयर होते हैं, यानी मेनिंजेस जो है वो कवरिंग है ब्रेन का, और मेनिंजेस जो होता है वो तीन लेयर कंटेन करता है, पहला ड्यूरा मेटर, दूसरा एरेक्नॉइड मेटर और तीसरा पाया मेटर, तो इसमें पूछा जा रहा है कि सबसे आउटर कवरिंग लेयर कौन सा है, तो वो है हमारा ड्यूरा मेटर, तो इसका ए ऑप्शन जो है वो राइट आंसर है। अब हमारा 87 क्वेश्चन नंबर आता है, टोटल नंबर वेंट्रिकल्स इन ब्रेन, यानी हमारे ब्रेन में टोटल कितने वेंट्रिकल्स प्रेजेंट होते हैं, जिसका सी ऑप्शन राइट आंसर है वो है 4। हमारा है 88 क्वेश्चन नंबर, और वो है टोटल अमाउंट ऑफ CSF सिक्रेटेड डेली, यानी हमारे ब्रेन में CSF सिक्रेट होता है तो वो कितना अमाउंट में सिक्रेट होता है, तो इसका बी आंसर जो है, बी ऑप्शन जो है वो राइट आंसर है, वो है 500 ml, ठीक है, यानी कि आधा लीटर जो CSF है वो सिक्रेट होता है, लेकिन रहता कितना है, यानी सिक्रेट कितना होता है, बचता कितना है, तो इसमें हमारा 100 से 150 ml जो है CSF वो बस बचता है और सारा एक्सक्रीट हो जाता है, यानी बाहर निकल जाता है ड्यूरल वेनस साइनस के थ्रू, ये फिर एक्सक्रीट कर दिया जाता है, ड्रेन हो जाता है।
अब हमारा 89 क्वेश्चन नंबर है, नॉर्मल CSF प्रेशर ड्यूरिंग सिटिंग पोजीशन, यानी कि जब हम लोग बैठे रहते हैं तो हमारा नॉर्मल जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूड का प्रेशर है वो कितना होता है। तो ये लगभग सी ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर है, और जो नॉर्मल प्रेशर होता है वो होता है 30 cm H2O। अब हमारा 90 क्वेश्चन आता है और ये है टोटल नंबर ऑफ स्पाइनल नर्व्स आर, यानी कि हमारे बॉडी में स्पाइनल नर्व्स होते हैं और उनकी संख्या कितनी होती है। तो इसका जो ए है वो राइट आंसर है 31, यानी 31 जो है वो स्पाइनल नर्व्स होते हैं हमारे बॉडी में। अब हमारा 91 क्वेश्चन है, टोटल नंबर ऑफ क्रैनियल नर्व्स, यानी हमारे बॉडी में क्रैनियल नर्व्स कितने होते हैं, यानी हमारे सिर में क्रैनियल नर्व्स कितने होते हैं। तो ये है बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, और वो है 12, यानी 12 क्रैनियल नर्व्स होते हैं। अब हमारा 92 क्वेश्चन आता है और वो है टिम्पेनिक मेम्ब्रेन इज ऑल्सो नॉन एज, यानी टिम्पेनिक मेम्ब्रेन किसका पार्ट है, ईयर का पार्ट है, और ये मिडिल ईयर का पार्ट है, और ये जो हमारा है इसका बी ऑप्शन राइट आंसर है, और वो है ईयर ड्रम। ईयर ड्रम को हम लोग टिम्पेनिक मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं। अब हमारा 93 क्वेश्चन नंबर है और वो है इनर ईयर ऑल्सो कॉल्ड एज, यानी इनर ईयर को और हम लोग किस नाम से जानते हैं। तो हमारा इसका सी जो है राइट आंसर है लेबरिंथ। लेबरिंथ मेम्ब्रेनस लेबरिंथ होता है, बॉनी लेबरिंथ होता है, वो आप पढ़िएगा तो जानिएगा। तो इसमें मैं बस इतना बताती हूँ कि इनर ईयर को हम लोग लेबरिंथ के नाम से भी जानते हैं। 94 क्वेश्चन नंबर है, लेंथ ऑफ ऑडिटरी कैनाल इज अबाउट, यानी कि जो हमारा ऑडिटरी कैनाल है उसे हम लोग ईयर कैनाल भी कह सकते हैं। तो ईयर कैनाल का जो लेंथ है वो लगभग कितना होता है। तो इसका ए ऑप्शन जो है राइट आंसर है, और वो है 2.5 सेंटीमीटर। 95 क्वेश्चन नंबर है, द टेस्ट बर्ड्स कॉन्टेन नर्व एंडिंग ऑफ, यानी कि टेस्ट बर्ड्स जो है किन किन नर्व का, समझिए तो किन किन नर्व को कंटेन करता है, इजी लैंग्वेज में समझे तो किन किन नर्व को कंटेन करता है। इसमें हमारा 7वां, 9वां और 10th नर्व, यानी 7th, 9th और 10th नर्व को वो कंटेन करता है, उसके एंडिंग्स को कंटेन करता है। तो इसमें ए ऑप्शन राइट आंसर है हमारा 95 का। अब हमारा 96 क्वेश्चन नंबर है, सुपरफिशियल लेयर ऑफ स्किन इज, यानी स्किन के लेयर्स होते हैं, ठीक है, किसी भी पार्ट का लेयर होगा, जैसे 3 लेयर, 2 लेयर ऐसे। तो मेनली 2 लेयर होते हैं, एपिडर्मिस और डर्मिस होते हैं। तो सुपरफिशियल लेयर कौन सा है, तो एपिडर्मिस जो है वो सुपरफिशियल लेयर है स्किन का। तो इसी तरह से ये जो हमारी वीडियो थी, मान के चलिए इसमें 32-35 क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कशन किया। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अब जितने भी बचे हुए MCQ हैं वो सभी को डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।